अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद इरफान। आज की वीडियो में हम करेंगे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट ईयर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। प्रूफ इसको करना है। वी नाउ डैट स्केयर रूट ऑफ यूनिटी आर 2। हमें स्केयर रूट का तो पता है कि स्केयर रूट अगर हमने यूनिटी का फाइंड करना है, यूनिटी कहते हैं 1 को। स्केयर रूट अगर हमने 1 का फाइंड करना है तो हमें पता है स्केयर रूट 1 का क्या होता है। अगर हम 1 का लेंगे स्केयर रूट तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1। 1 का स्केयर रूट तो प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 3, इसके 3 क्यूब रूट्स होंगे, तो वो हमने फाइंड करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1 का हम इसमें ये करते हैं, एक्स को लेट कर लेते हैं। लेट हम करते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स को हमने लेट कर लिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है तो हमने इसको लिखा 1/3। अब यहां से हमने ये इस 3 को खत्म करना है, ये 1/3 है, तो हम दोनों तरफ इसका क्यूब लेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा 1, क्योंकि जब यहां पे क्यूब लेंगे तो 3 के साथ ये 1/3 है, ये कट जाएगा, यहां से 1 बच जाएगा और यहां पे आ जाएगा इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब इसको मैं ये करता हूं कि ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस पे हम क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं। क्यूब का फार्मूला हमारे पास है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस b, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये है क्यूब का फार्मूला। तो इस फार्मूले के जरिए हमने इसको खोलना है, यहाँ से ये फार्मूला खोलेगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये खुलेगा ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है। फिर आएगा ए का स्केयर, ए की जगह पे एक्स है, एक्स का स्केयर, प्लस आएगा बी का स्केयर, बी की जगह पे यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। आगे आएगा यहाँ पर प्लस ए बी, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पे 1 है। ये हमने क्यूब का फार्मूला खोल दिया। अब यहाँ से एक बार इसको जीरो के एक बार रखेंगे, एक बार इसको जीरो के एक बार रखेंगे। अब यहां से देखें, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 1। अब इसको भी जीरो के एक बार रखते हैं, एक्स स्केयर, पहले एक्स स्केयर वाली फिर एक्स वाली, एक्स और उसके बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसके फैक्टर देखें तो इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू भी x के साथ कितना आ रहा है 1, और c की वैल्यू भी यहाँ से 1। तो इस पे हम लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस x की जगह पे कितनी वैल्यू, b की जगह पे कितनी वैल्यू, b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b का स्केयर, b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 का स्केयर माइनस 4, a की जगह पे वैल्यू आ रही है 1 और c की जगह पे भी वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर स्केयर रूट है डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की जगह पे कितनी वैल्यू आ रही, a की जगह पे वैल्यू है 1। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, माइनस 4 1 द 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा यहाँ से 2 1 द 2। अब यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 में से अगर माइनस के 4 निकालें, ये बच जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम ये करते हैं, इसको एक बार प्लस में रख लेते हैं और एक बार माइनस में रख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्केयर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस में इसको लिख लेते हैं, एक बार माइनस में। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे प्लस रखा, अब यहाँ पे माइनस रख लेते हैं, माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई
टू। तो इसमें ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से आ गए, एक तो हमने इसमें से निकाला था वन, एक यहां से आ गया वन, एक ये आ गया यहां से माइनस वन प्लस के रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, और ये आ गया यहां से माइनस वन माइनस के रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये यहां से आगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना है तो ये आ गया वन, ये प्लस है, अगर इसके सेंटर में प्लस होगा तो ये इक्वल होता है ओमेगा के, अगर इसके सेंटर में यहाँ पे माइनस होगा तो ये आ गया ओमेगा स्केयर के इक्वल, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।